वेलकम बैक अगेन गाइस। कैसे हो यार आप सभी लोग? होप करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं सुमित लेके आ गया हूँ आपके लिए फिर से एक नए मॉड पर वीडियो। तो गाइस आज के इस मॉड पे हम करने वाले हैं Hyundai i20 के मॉडल के मॉड का रिव्यू। एंड ये लेटेस्ट 2021 वाला मॉडल है, तो आप देख सकते हो इसे। तो गाइस फ्रंट से शुरुआत करें तो फ्रंट में आप देख सकते हो, फ्रंट भी दिखने में एकदम रियलिस्टिक लगता है, पूरा एकदम जैसा रियल आता है। आपको इसमें सनरूफ भी मिल जाएगा जो कि काफ़ी बढ़िया है, टॉप मॉडल है ये वाला। एंड साइड प्रोफाइल आप देख सकते हो, साइड प्रोफाइल भी दिखने में एकदम रियलिस्टिक लगती है। एंड जो एलॉय व्हील आपको कंपनी से आते हैं वही वाले टॉप मॉडल वाले एलॉय व्हील आपको इसमें मिल जाएंगे। एंड पेंट की बात करें तो गाइस आप पेंट देख सकते हो कैसे एकदम रियलिस्टिक लगता है, ग्रे काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें। एंड बैक की बात करें तो गाइस बैक में आप देख सकते हो वाइपर मिल जाएगा, Hyundai का लोगो, i20 की बैजिंग एंड टेल लाइट देख सकते हो। टेल लाइट दिखने में भी एकदम रियलिस्टिक लगती है एंड प्रॉपरली तरीके से वर्क भी करती है, तो अभी देखना। तो ड्राइवर साइड से व्यू की बात करें तो आप देख सकते हो। तो गाइस मैं आ चुका हूँ कार के अंदर एंड मॉड के साथ क्या फीचर आते हैं आपको बता देता हूँ। पहले से डोर, सेकंड से बोनट एंड थर्ड से आपका मतलब साइड व्यू मिरर्स ऑन एंड ऑफ हो जाएंगे। तो एंड ऊपर आप सनरूफ भी देख सकते हो, सनरूफ भी काफ़ी सही है इसकी। तो गाइस अब हम चलेंगे कार के बाहर और मैं आपको क्लोज का लुक दूंगा। तो गाइस मैं आ चुका हूँ कार के बाहर और आप इसका इंजन देख सकते हो। इंजन नहीं मिलेगा आपको इसमें, इंजन की इमेज मिल जाएगी। एंड अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो गाइज आप इंटीरियर देख सकते हो, एकदम ज़बरदस्त लगता है। एंड इसके सीट देख सकते हो, सीट दिखने में भी बढ़िया है। आपको अब ये 10 कलर है या फिर क्रीम कलर की सीट कवर है मेरे को नहीं समझ आया, मे भी शायद 10 है, धूप के कारण ऐसा लग रहा है। सो गाइज़ आपको मैं पैसेंजर साइड से इसका व्यू दिखा देता हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हो पैसेंजर साइड से भी इसके सीट कवर वगैरह जो कि दिखने में एकदम रियलिस्टिक एंड रियल है। एंड हम चलेंगे कार के अंदर और मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाऊंगा अंदर से। तो गाइज़ आप इसका इंटीरियर देख सकते हो, इंटीरियर दिखने में ठीक लगता है। एंड स्पीडो मीटर वगैरह सब कुछ प्रॉपरली तरीके से वर्क करता है। अभी ये version 1 है मॉड का, तो जैसे ही अपग्रेड होगा तो उसके बाद ये सारा जो ग्लिच है इसमें ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड कार में तो आपको बताइए कि हर बार ग्लिच जाता है ड्राइवर साइड से, तो इसे ठीक करने का तरीका आपको पता है कि क्या है, पेट्रोल पंप में जाके पेट्रोल भराना है, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। तो गाइस अब हम चलेंगे पेट्रोल पंप में और फिर हम इसका ग्लिच ठीक कर देंगे पेट्रोल भराने के बाद। तो गाइस आप इसका फ्रंट से लुक देख सकते हो कैसे रियलिस्टिक लग रही है। एंड अगर मॉड की बात करें तो गाइस मॉड बहुत ही बढ़िया एंड बहुत ही सही है चलने में भी, अभी मैंने इससे पहले भी चलाया था। तो गाइस अब हम कर रहे हैं इसको ड्राइव और ये चलने में कैसी, इसकी ब्रेकिंग कैसी है, इसकी कंट्रोलिंग कैसी है, इसकी हैंडलिंग कैसी, स्टेबिलिटी कैसी है, टॉप स्पीड क्या है, तो हर चीज़ का टेस्ट करेंगे। तो वीडियो में बने रहना एंड जो भी चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको हर मॉड की अपडेट मिलती रहे। तो गाइस अब हम कराएंगे फ्यूल रिफिल कराने के बाद आप देख सकते हो वो ग्लिच ठीक हो जाता है, बट जो साइड में डैशबोर्ड की ग्लिच है वो ठीक नहीं हुआ क्योंकि ये version 1 है, तो इसलिए जैसे ही अपडेट होगा version 2 में तो ये ठीक हो जाएगा। बट गाइस आप इंटीरियर देख सकते हो, इंटीरियर व्यू एकदम रियलिस्टिक लगता है एंड चलाने में काफ़ी बढ़िया एंड काफ़ी मज़ा आता है। एंड ग्राफिक्स वगैरह देख सकते हो आप इंटीरियर के अंदर से जो कि काफ़ी सही है दिखने में। तो गाइस अब हम लेके चलेंगे इसे हाईवे पे और वहाँ पे पूरा फुल टेस्ट करेंगे इसका। सो गाइस अब हम आ चुके हैं हाईवे पे और आप देख सकते हो क्या प्यारी लग रही है। तो गाइस मॉड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, मॉड बिल्कुल फ्री है, कोई भी आपको इसमें पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, तो जाके सिर्फ डाउनलोड करना, इम्पोर्ट करना और इंस्टॉल करके प्ले करना। तो गाइज आप देख सकते हो लुक्स काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं एंड ब्लैक कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरे को, बट मेरे को ग्रे ज़्यादा अच्छा लगा तो इसलिए मैंने ग्रे इस्तेमाल करा इसमें। एंड मॉड दिखने में गाइज एकदम रियलिस्टिक लगता है, मतलब जैसे रियल लाइफ में आपने देखी है Hyundai i20, तो बिल्कुल डिट्टो आपको वैसी ही मॉड मिलने वाला है। एंड चलने में भी कैर गाइज काफ़ी बढ़िया एंड काफ़ी सही है। अगर मैं इसकी ब्रेकिंग की बात करूँ तो यार ब्रेकिंग भी एकदम सही है एंड स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। हैंडलिंग की बात करें तो यार हैंडलिंग भी काफ़ी सही है और आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती, सबसे अच्छी बात यही है। मतलब आप अगर टर्न लोगे हाई स्पीड में तो तभी भी स्टेबल रहेगी, बट ज़्यादा ही ओवर हो जाएगा तो तब जाके फिसल सकती है, वरना नहीं फिसलती। एंड आप देख सकते हो गाइस इसकी टॉप स्पीड 215 तक ये आराम से पहुँच चुकी है। तो गाइस ये 215 से ऊपर पहुँच जाती है एंड यहाँ पर हो गया था एक्सीडेंट। सो गाइस i20 LIT ओढ़ के पहुँच चुकी थी दूसरी लेन में रॉन्ग साइड वाली। तो अब हम यहीं पर ड्राइव करेंगे और देख सकते हो आप गाइस कितनी बढ़िया लग रही है, मॉड एकदम रियलिस्टिक है, आपको मज़ा आएगा इसे चलाने में। तो मॉड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाके डाउनलोड कर लेना, मॉड बिल्कुल फ्री है, कोई भी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस अगर ओवरऑल मॉड की बात करूँ तो मॉड काफ़ी अच्छा है, इसकी ब्रेकिंग भी अच्छी है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती, स्टेबिलिटी भी काफ़ी सही है एंड चिपक के चलती है रोड में जो कि काफ़ी बढ़िया एंड काफ़ी सही बात है। एंड इसमें आपको सनरूफ मिल जाएगा एंड आप इसका कलर टेक्सचर वगैरह देख सकते हो, दिखने में एकदम रियलिस्टिक लगता है जो कि काफ़ी सही है। तो गाइज़ आप रेनिंग सीजन का व्यू भी देख सकते हो जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लगता है।
तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन याद से प्रेस कर देना ताकि आपको हर मॉड की अपडेट मिलती रहे। तो गाइज अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे DM कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम की ID का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो और DM भी कर सकते हो। तो गाइज मॉड का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लेना। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ अगले मॉड एंड अगली वीडियो में।